सारी मछलियाँ हैं, या विस्तार में लेके जाएगा घर, पका के खा लेगा और हमें ये देखे, इसकी मूछें देखे। ओए 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 ओए, पकड़ पकड़ इसको, तुम मार क्यों रहे हो? है तो अपनी निशानी जाहिर करे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे हम करेंगे लंच। लंच में आज जी भिंडी है और रोटी है, और आज लंच हम मामू के साथ करेंगे। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं भी बिस्मिल्लाह करता हूँ। ये जगह है ना गिलास रखने की। ओए होए होए होए। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह खाना डन हो गया। इस खाना वाना खा के अब थोड़ा सा बाहर आए हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ मैंने रात को स्टे किया था। ये घर है मेरे मामू का, यहाँ पे मैंने स्टे किया था रात को, और यहाँ मैं बैठा हूँ दरख्त के नीचे। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, चारपाई पे बैठा हुआ हूँ, और ये तंग करने बहुत आता है। ये देखो शरारती बच्चे यहाँ के, ये ज़्यादा शरारती है। इसको तुम मार क्यों रहे हो? इसमें बहुत मिट्टी है, ये मिट्टी निकालने के लिए मार रहे हो। अच्छा, इसमें कचरा भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो कैसे पीछे खड़े हैं सब लोग, देखो। और ये देखो छान रहे हैं, इससे भी कचरा निकाल रहे हैं। ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये कचरा अलग करेगा, और ये जो अनाज है वो अलग करेगा, वहाँ जमा करेगा। फिर उसको कहाँ ले जाओगे? ये दुकान पर। दुकान पे चक्की वाला, फिर जो लेता है कपाने वाला, उसके बाद इसको बेचने जाओगे? आटा नहीं बनाओगे इसका? ये देखें बहुत ही बड़ा स्पीकर निज़ाम भाई के लिए लेकर आए, एक दूसरा भी पड़ा हुआ है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है इसकी। ये भूसा पड़ा हुआ है जानवरों के लिए, वो मशीन है कुतर मशीन, इससे काटते हैं घास। ये रहा सोलर सिस्टम, और ये घर के सामने ही एक जानवरों के लिए एक छोटा सा घर बनाया हुआ है कच्चा वाला। ये सारी भैंसें यहाँ हैं, उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। सो गाइस, अभी हम बाइक पे बैठे हुए, अभी हम जा रहे हैं दूसरे गांव, वहाँ पे एक हमारे और रिश्तेदार हैं, वहाँ उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये बाग है आम का, रिश्तेदारों के घर आ चुका हूँ। ये भी हमारे मामू का ही घर है, ये सामने घर बना हुआ है कोने पे, यहाँ पे पहले भी आया था मैं। पतली गलियाँ चेक करें। सो गाइस, ये घर है हमारे मामू का, बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके आसपास कच्चे घर बने हुए हैं, ये पक्का घर बना हुआ है। और इसमें बर्ड्स हैं, इसके अंदर जो है अनाज डालते हैं, पूरा भरा होता है। ये तीतर है, पकड़ रहा है पिंजरे के अंदर। एक नर है एक मादा है, ये कौन सा है? नर है। ओए 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 ओए, पकड़ पकड़। नाखून बहुत बड़े हैं इसके, हाथ में लग जाता मुझे, चील का बच्चा लग रहा है। मामू से मिलकर हम आ गए बाहर, और यहाँ पे जो है मामू की ज़मीन है, वहाँ भी काम चल रहा है कटाई का, जो वो देखे वो काम चल रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने देखा कि प्याज भी कटे हुए बोरी के अंदर पड़े हुए हैं। हाँ, ये वकील है भाई, ये हमारे साथ घूम रहा है और ये हमें घुमा भी रहा है। इनकी बाइक पे हम आए हैं अभी यहाँ दूसरे मामू से मिलने के लिए। और ये टमाटर देखो भाई, कच्चे कच्चे निकाल दिए, ये दिखाता हूँ कहाँ से निकाल रहे हैं। तो कच्चे हैं अभी, क्यों निकाल रहे हैं? ये देखो जी, ये पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं कच्चे कच्चे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा। ये हमारे मामू देखें, ये देखें जी प्याज का फूल, पहले कभी किसी ने देखा है? आज देख लो भाई, आ गए, चाय पी रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं भाई। माऊ से मिलके अभी हम जा रहे हैं आगे। आगे एक बहुत बड़ा दरिया है जहाँ पे कश्तियाँ भी हैं छोटी छोटी। आगे का सीन आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। पहले भी हम यहाँ आए थे, कश्ती में बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आया था। और ये देखो गंदम यहाँ जमा की हुई है यहाँ पे मेहंदी के अंदर, ये मेहंदी का फसल है। सो गाइस, ये यहाँ दरिया बना हुआ है मगर ये बहुत सूख गया, पहले बहुत भरा हुआ था। ये जी बकरियाँ भी आ गई हैं यहाँ पे घूमने के लिए, आगे से सूख गया है पर यहाँ से है थोड़ा पानी। क्या मज़े का मंजर आ रहा है, ओए होए होए। ये इतनी सारी बकरियाँ किसकी हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इंटरव्यू नहीं देना क्या? इंटरव्यू
करें। इंटरव्यू दे भाई किधर ये घास वास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा यहाँ पे हैं? कैमरा बंद कर अबे कान छोड़ मेरा। हाँ भाई 25,000 मिल रहे हैं गवर्नमेंट के 25,000 क्या करेंगे हमें तो घास चाहिए। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं सिप्पी। ओ एक यहाँ पे छोटा सा नलका भी है। तो गाइस वहाँ देखते हैं मछली पकड़ रहे हैं, देखते हैं कौन सी मछली पकड़ी है छोटी या बड़ी। चलते हैं नीचे, वैसे बहुत मुश्किल रास्ता है यहाँ से उतरने के लिए। सो गाइस ये देखें मछलियाँ, बहुत छोटी मछली है। इसका मुंह देखो, ओए होए सांस ले रही है। यहाँ रख देते हैं बड़ी वाली, देखते हैं ये देखें इसकी मूछें, देखें कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये देखो यहाँ से किसी सांस ले रही है। ये देखो अंदर क्या है यार। मछली हमें मिल गई है भाई, ये देखें घर लेके जाएंगे इसको पकाएंगे। ये देखो भाई हमने मछली पकड़ी है, ये घर में पका लोगे ना तुम। पकड़ो सही से, पकड़ो सही से। मर गई है जिंदा है? जिंदा है, जिंदा है। तुम पकाओगे ना? ये वापस नहीं डालना पानी में। जिंदा कर रहा है क्या इसको? मर गई है। जिंदा है, जिंदा है, वो तो हिल रही है। ये इसने अपने लिए खरीदी है और ये घर ले जाएगा। इसको क्या कर रहा है? अच्छा इसमें लकड़ी में डाल के ले जाओगे? वो तो निकल गई, इस तार में लगा के लेके जाएगा ये। ये 150 रुपये में इसने लिए सारी। वो कितनी सारी मछलियां हैं, या विस्तार में लेके जाएगा घर, पका के खा लेगा और हमें सलाह भी नहीं करेगा। जा रहे वापसी, क्योंकि वो जो मछली थी ना छोटी थी, तो हमने सोचा कि बेचारा गरीब है उसकी मछली हम फ्री में खा लेंगे, तो इसलिए मैंने वापस कर दी। वो लड़के को दे दी मैंने जो घर लेके जा रहा था ना, उसको दे दी मैंने। तो हम खाली आज जा रहे हैं, आज जो घर में बनेगा वही खा लेंगे। हम आए एक ऐसे बंगले पे जहाँ पे भूत है, तो हमने सोचा कि यहाँ से विजिट कर लेते हैं। वैसे नज़र तो नहीं आ रहे, अभी दिन है। वैसे बाग बहुत अच्छा बना हुआ है और बंगला बहुत अच्छा बना हुआ है। ये किसी वडेरे का बंगला है, उसका है ये बंगले का। क्या बात है, फूल भी बहुत खूबसूरत है, मतलब अलग अलग किस्म के फूल है। ये पता नहीं कौन सा फूल है। अगर यहाँ पे कोई है तो अपनी मौजूदगी का इशारा दें। है कोई यहाँ पे? अगर कोई है तो अपनी निशानी जाहिर करे। अब ये कौन सा अनार तो नहीं है? ये कुछ और है, वैसे हमें नाम तो नहीं पता। बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। और ये फूल देखें कौन सा फूल है, कांटे वाला। कांटे नहीं है इसका, इसी तरह बना हुआ है कांटे की तरह, मगर है नहीं। हम अंदर से घूम के आ गए बंगले से। वहाँ बंगले में ऐसा कोई भूत तो नज़र नहीं आया। मैंने सुना है कि वहाँ होते हैं भूत वगैरह, तो फिलहाल तो नज़र नहीं आया। क्या पता वो रात को नज़र आए या रात को आवाज़ें आती हों। तो घूम के वापस आ गए बाहर। घूम रहे हैं भाई, आम के दरख्त जो है वो भी इसमें पके नहीं हैं, अभी कच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस नज़र तो आ गया, देखते हैं कितने। ओए ये इतने भी
खट्टे होंगे बहुत ज़्यादा, इतने बड़े नहीं हुए अभी, बहुत छोटे हैं ये, ये भी छोटे हैं अभी, ये बड़ा लग रहा है। अभी चलते हैं घर, ये सिर्फ दोनों मेरे साथ घूम रहे सुबह से। सो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और ये खाना भी बन चुका है और मछली भी बन चुकी है। मछलियाँ वहाँ पकड़ रहे थे, यहाँ पहले से ही बनी हुई है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। सो गाइस चावल भी बन चुके हैं, तो अभी हम घर से वापस आ गए, मामू के घर से। तो अभी वापसी जा रहे हैं अपने गांव, दूसरा जो गाँव है वहाँ जा रहे हैं। हल्के से बादल हैं, ज़्यादा नहीं है, ठंडा मौसम है, इतनी गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। पार्क देखते हुए जा रहे हैं, क्या रास्ता है ज़बरदस्त। फाइनली मैं अपने गांव आ चुका हूं, और आज जुम्मा भी है तो जुम्मा भी पढ़ना है। और व्लॉग को यहीं एंड करूंगा और नेक्स्ट व्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आज का व्लॉग यहां पे एंड होता है। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर।